प्रदीप आर्य ब्लॉगर्स में। गाइस मैं हूँ बीजेपी के कार्यालय में। ये जो है देहरादून का सबसे बड़ा कार्यालय बीजेपी का, और ये पड़ता है देहरादून के परेड ग्राउंड में। गाइस यहाँ पर आने का मकसद यह है कि आज जो है ये भाजपा के जितने कार्यकर्ता है उन्होंने जो है आज तिरंगा रैली निकालने का जो है निर्णय लिया है। सुबह 7 बजे जो है यहाँ से रैली निकाली जाएगी और आप लोग को भी दिखाया जाएगी कहाँ कहाँ से जो है इस रैली को निकाला जाएगा। गाइस अभी जो है इस रैली की जो तैयारी चल रही है आप मेरे पीछे देखो। इस वक्त भाजपा कार्यालय पर और ये पड़ता है देहरादून के परेड ग्राउंड पर, और यहाँ पर जो है आज तिरंगा रैली निकलने वाली है। हर घर जो है तिरंगा अभियान, और काफ़ी बड़ा जो है ये भाजपा कार्यालय है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कुछ लोग अभी जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं और कुछ लोग अभी आने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो है सबको झंडा वितरण किया जाएगा अभी, और थोड़ी देर में जो है यहाँ पर रैली निकाली जाएगी। वो झंडा वितरण किया गया है, मेरे को भी जो है एक झंडा मिला है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो अभी सबको झंडा जो है वितरण किया जा रहा है यहाँ पर। आज रक्षा मंच के द्वारा जो तिरंगा यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मेयर श्रीमान सुनील विजल गामा जी, अपने बीच उपस्थित मंडी परिषद के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान सुदीप भटोला जी, आदरणीय विशाल गुप्ता जी, आदि पार्षद हम सब की सम्मानित आलम जी और सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और इस यात्रा के सभी पदाधिकारी कर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक, क्योंकि 3 दिन बाद हमारा ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि बारिश होने वाली है और इस तिरंगा यात्रा का हम प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है यहाँ पर आगे जो है पुलिस सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं, और इस साइड में रैली निकाली जा रही है, देख सकते हैं आप। भाई आप आ रहे हैं।
वीडियो कवर करने का है बैक तक के लेने का ना ना उन लोग ना आगे से ले बस भाई आगे से क्या है ज्यादा क्या पिक्चर है चाटू पाटू पड़े हो मेन मेन तो आ गई है सारे जिप्सी की वीडियो लेनी आगे आ हेलो हेलो भाई थोड़ा साइड हो यार भाई थोड़ा साइड हो जा यार वंदे मातरम चल 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 बस चलो अरे को मर ना गाइस मैं हूँ रैली में और ये जो है सुबह 7 बजे परेड ग्राउंड से शुरू हुई थी और जो है गांधी पार्क से होके घंटाघर जाएगी और घंटाघर से जो है ये परेड आपका पलटन बाज़ार और दर्शन लाल चौक से होते फिर जो है ये परेड ग्राउंड जाएगी और फिलहाल अभी जो है मैं घंटाघर पे हूँ और रैली भी जो है घंटाघर पे आ चुकी है। यहाँ पर जो है रैली निकाली जा रही है और सामने देख सकते हैं आप लोग ये जो है काफ़ी सुरक्षा वाले हैं पुलिसकर्मी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ये झंडा रैली जो निकाली जा रही है बीजेपी वालों की तरफ से और इस वक्त जो है ये रूट पलटन बाज़ार का कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो है गांधी पार्क से जो होते हुए जो है ये रैली आई है और इस वक्त जो है पलटन बाज़ार में जा रही है। ये जो है घंटाघर है देहरादून का।
ये देहरादून का पलटन बाज़ार है और इस वक्त ये बंद है क्योंकि सुबह के 8 जो है बज रहे इस वक्त और 11 बजे के आसपास जो है ये मार्केट खुलती है और इधर जो है रैली निकाली जा रही है घंटाघर से पलटन बाज़ार के अंदर से। ये तहसील चौक से होते हुए जा रही है, ये तहसील चौक है। Vande Mataram, 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 V
यहाँ पर जो है संपन्न की गई है ये यात्रा, तिरंगा यात्रा, क्योंकि जो है यहीं से ये शुरू की गई थी तिरंगा यात्रा परेड ग्राउंड से। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो है कार्यालय है।